फायर का स्क्वाड है, ओआरबी का भी स्क्वाड है, फनेटिक अभी जोन के एकदम एज पे 8 बिट के प्लेस के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट देन अक्षय ने गॉड विशियस को डाउन किया, ओआर एंटो ने ओआरबी अभी को डाउन किया, दैट मींस फाइट्स हर जगह हो रही है। सांगवान वहां पे थोड़े अग्रेसिव पुश के लिए गए थे, वहां पे दलजीत को उसने नॉक डाउन करा, थोड़ा सा पीछे गया था सांगवान, बट एक इनिशियल नॉक उसने अच्छा दिया, बट अभी फनेटिक का स्क्वाड देखते क्या करता, बट यहाँ पे ओआर का एंटो अकेला बचा हुआ है, क्या वहां पे वो रेव दे पाएगा, बिकॉज वहां पे एक स्मोक तो है बट सांगवान वहां पे कंसिस्टेंटली, बट एक ग्रेनेड से सांगवान ने फिनिश करा पूरा ओआर का स्क्वाड, एंड वाज द लास्ट मैन रिमेनिंग, बट अभी फनेटिक के पास जोन एडवांटेज भी है, कवर भी है, सारी टीमों को बाहर से अंदर आना, आईएनडी स्लेयर इज द लास्ट वन सर्वाइविंग फॉर आईएनडी, एंड गॉड जक्स के ऊपर एक ग्रेनेड है, आई थिंक ही विल गेट इट, गॉडल किल इज द लास्ट वन फॉर गॉडल, एंड यहां पे आईएनडी स्लेयर ने एक और ग्रेनेड डाले, स्लेयर बाप रे, अगर ये वाली अगर कार फटी वहां पे, ओके हाउ डज ही नो कि किधर ग्रेनेड करना, दैट वाज सच एन अमेजिंग थिंग, एंड स्लेयर आगे आ रहे, हेल्थ उनके पास अब देखो डैमेज ले रहे बहुत ज्यादा कम, बट देन यहां पर मैक्स कैश आगे मूव कर रहे अक्षय के पास, अक्षय स्मोक को पूरा पूरा अपने एडवांटेज में लेकर आते हैं, एंड देन मैक्स कैश भी लेट चुके हैं, बिकॉज उनको एडवांटेज उस चीज का लेना पड़ेगा जो कि स्मोक के बीच में साउंड आती है, एंड पूरी फाइट होनी शुरू हो चुकी है, वहां पर अक्षय को अक्षय डाउन, मैक्स कैश इन एन इनसेन अमेजिंग वे, 5 टीम्स रिमेनिंग, 9 पीपल अलाइव, हु विल बी द फर्स्ट पर्सन टू विन, गिल के पास एक और ग्रेनेड आया तो उनकी हेल्थ कम हुई, बट देन स्लेयर नोस कि इनके आगे एक और ओपोनेंट है, स्लेयर स्लोली एंड स्टेडीली मूव करेंगे, बिकॉज एक एक किल मैटर करता है, बट फनेटिक के पास यहाँ पे मेरी ख्याल से एक्सीलेंट पोजीशन है, जहाँ पे जोन में सारी टीमों का आना है, और ऊपर से वो लोग जोन में अंदर डोमिनेट करें, एक हिल है उनके पास, दो वहीकल है, बट अभी गॉडल किल के ऊपर ही ये वाला पूरा की पूरा मॉलोटोव सेंटर में गिरा, आई थिंक गिल विल गेट फिनिश्ड ओवर देयर, बट यहाँ पे किल स्टील हो गया, स्ट्राइडर ने उसको किल करा एट दी एंड, यहाँ पे स्लेयर क्या 3000 IQ, उसको पता है एग्जैक्टली कहाँ पे प्लेयर प्रोन है, कहाँ पे वो प्लेयर कवर ले रहा है, बट स्लेयर took his team on the top 5 in this match, but abe akshay meri gal se heel battle kar raha hai, but I think wo itna zyada matter nahi karega, because agar slayer wahan pe finish ho to wo top 3 mein aa jayega, but slayer is also doing the same, wo bhi heel battle kar raha hai yahan pe, strider aur seer bhi do bache hue, but fnatic ka pura squad meri gal se fnatic ke paas team is ye match bana hua hai uske liye, pura ki pura match bana hua hai, bilkul baki sab team zone ke bahar hai, seer bhi zone ke just thoda sa bahar hai, strider zone ke edge par hai, slayer wahan par jane se pehle heel battles karenge jitna der ho sake, sangwan is going for it, but then sangwan spotted hai, देन जाते जाते एक ग्रेनेड करके जाएंगे, अगर सीरवी के लिए दिक्कत हो सकती है, सीरवी से सीरवी के पास से ग्रेनेड, उनको अंदर मूव करना पड़ेगा, जोन के अंदर तो आ चुके, 8 बिट एलिमिनेट होती है, डाउन टू टॉप 3 टीम्स, एंड इस देयर इज आउट देयर, एंड देन फनेटिक इज रेडी फॉर अ फाइट, टेक्स डाउन सीरवी, एंड देन सीरवी को फिनिश किया जाएगा, यस, एंड देन इट्स 4v1v1, बट एक चीज वहां पे दिख रही है, सांगवान ने वो ग्रेनेड कैंसिल नहीं करा, तो डैमेज दिया, बट अभी स्ट्राइडर सामने है, मेरे ख्याल से हेड दिख रहा है वहां पे, फनेटिक ओवेज इज टेकिंग दो सिंगल टैप फ्रॉम दैट एयूजी, स्ट्राइडर विल गेट फिनिश, राइट हैंड साइड में प्रोन होके जा रहे हैं, बट अब मेरे ख्याल से फिर से स्पॉट हो चुके, स्ट्राइडर विल गेट फिनिश, एंड आखिरी स्लेयर बचा हुआ, 4v1 सिचुएशन क्या यहाँ पे, ओके 4v1 विन फॉर फनेटिक ओवर देयर, ब्यूटीफुल विक्ट्री फॉर देम, एंड ओवेज परितोष, एंड यहाँ पे परितोष की कमी मेरे ख्याल से महसूस नहीं हो रही होगी, बिकॉज यहाँ पे सांगवान ने क्या रिप्लेस करा इस वाले स्क्वाड को, देयर यू कैन सी दोस थम्स अप कमिंग अप एंड हाई फाइव विद ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स, लुक एट दोस हैप्पी फेसेस, लाइक उन विद रौनक बोल रहा है लिटरली कि मेरे को पता है हम जीतेंगे, मेरे को पता है, इट्स ऑन हिज फेस दैट ही कैन एक्चुअली से, एंड लुक एट सांगवान, ही इज लाइक ही हैज एक्चुअली डन एन इनक्रेडिबल वर्क विद द टीम, ऐसे होता है कि एकदम से नई टीम होती है, सिनर्जी बनानी होती है, बट देन इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये बने थे इस पूरे पूरे गेम के लिए, वो ग्रेनेड जो ग्रेनेड से थोड़ा सा डैमेज दिया, एंड चिकन डिनर इनके पास, जस्ट लुक एट देम हैप्पी, फाइनल फाइनल सर्कल में मैंने देखा था जब उनको दिखा कि 5 प्लेयर्स अलाइव, 4 तो हम ये चारों उठे थे वहां पे, एंड देखते हैं फाइनल किल कौन लेगा, बट आखिरी में ओवेस ने मेरे ख्याल से अच्छी असॉल्टिंग करी थी, क्लोज एनकाउंटर में स्पॉट करने की दिया था, एंड आईएनडी का जो हील बैटल था व्हिच गॉट फोर्थ पोजीशन से उनको वो सेकंड पोजीशन में लेके आए, स्लेयर अकेला बचा था, अगर वो सोचता कि मैं जोन में जाके लेट जाता हूं, एसजी उनको वहीं पे फिनिश कर देते, एंड मे बी दे वुड हैव बीन इन द थर्ड और फोर्थ पोजीशन, 8 बिट का वहां पे हील्स खत्म हो गया था, एंड ही वाज फिनिश्ड आउटसाइड द जोन, फनेटिक विद दैट एक्सीलेंट गेम प्ले, उन्होंने जोन उनको बहुत अच्छे से यू नो दे वेंट इन द जोन, काफी सारा उन्होंने जोन का यू नो जो जोन का एरिया था वो जोन का काफ़ी सारा एरिया था जो उन्होंने कवर किया था विद दैट व्हीकल, एक एक जन ने अपना अपना कार का यू नो कवर बना के होल्ड किया सो दैट उनको किल्स भी मिले एंड उनको पोजीशन भी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करें, दैट्स हाउ फनेटिक गॉट दैट चिकन डिनर, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा यू नो एरिया होल्ड किया जोन के अंदर, एंड बाकी सारे टीम्स जो थे वो लोग
बहुत कम एरिया में थे एंड जोन के बाहर से भी आ रहे थे. सो इट वाज अ वेरी गुड प्लस पॉइंट. वहां पे फैनेटिक ने एक दो स्क्वाड्स को वाइप करनी पड़ी थी. फॉर एग्जांपल वहां पे इनसेन एंड गॉडेल जो ये दो स्क्वाड्स थी इनका वहां पे वाइप आउट होना बहुत जरूरी था फॉर फैनेटिक. एंड फैनेटिक मेड श्योर कि वहां पे कोई नहीं है सो दैट वो लोग जोन में जब जाएं तो उन काफी ज्यादा एरिया कवर कर सके. एंड ऑन द अदर हैंड हमने देखा था कि फैनेटिक का जो सांगवान है वो राइट साइड में रुका हुआ था होल्डिंग द आउटसाइड कि राइट साइड से कोई भी प्लेयर ना आए अंदर. एंड